बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ जी सतलुज ब्रिक्स कंपनी माहौल दोस्त भट्टा, इसकी वीडियो लेके आया हूँ। और यहाँ पे जो है धुएँ को साफ़ करने वाली मशीन लगी हुई है, वो भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे ये कैसे लगाई जाती है, और ईंटें भी चेक करवाएंगे। ये आप देख लें, यहाँ से ईंट जो है ढेरा खुशाब के लिए जा रही है। बहुत ही प्यारी ईंट इस भट्टे की, प्योर जिग जैग भट्टा है। यहाँ पे जिग जैग ईंट तैयार की जाती है और काफ़ी मुनाफा बख्श भी है। तो चलिए आपको भट्टा मालक की एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ, इसमें देखें आप। चल भाई तू घड़का पैर छा यार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये जिग जैग प्योर जिग जैग बुराई कटक, ये आप दोस्तों को शेयर कर रहा हूँ, आप दोस्तों से ये देख लें। कराटे साहब पैरां दी की पोजीशन है? अच्छा किधरे है किधरे नहीं है, लेकिन साड़ी स्टार्टिंग है जी। आज पहला दिन साड़ी प्योर जिग जैग दी निकासी हो रही है, किसे डक दा कोई एक पैर निकल भी आंदा है। ते बाकी माशाल्लाह माल दे विच आवाज ठीक है। कराटे खड़का में यार हाँ भी जल्दी जल्दी नाल फटियां भरो यार, मैं दोस्तों नु सेंड करना, उन्होंने पता लगे खड़का शड़का भी है ते कम भी ठीक है। चल भाई पकड़, मैं तेरे पैर वेखना चाहना यार। ऐ जोड़ा ठीक है, चलो माशाल्लाह जी। जी तो दोस्तों यहाँ पे ये दो लाइनें जलाई जा रही हैं, यहाँ पे मसाला वगैरह फेंका जाता है, नीचे ईंटों के अंदर आग जल रही है और ईंटें जो है पक रही हैं, ईंटों की पकाई हो रही है। ये बोरा वगैरह जो है ये डाला जा रहा है, उससे ये ईंटें पकाई जाती हैं। ये फिर आगू सारा बंद है, आगू मैं सारा बंद है। ये आप देख रहे हैं, ये जितने भी ये अपना सुराख बने हुए हैं, यहाँ पे नीचे आग है, इनको तरतीब वाइज जो है खोल के इनके अंदर बोरा वगैरह फेंका जाता है। ये जो सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे जो धुएं को साफ करके यूट्यूब चैनल तो बाद ये भट्ठे से बाहर निकालता है, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे मोटर लगी हुई है और यहाँ पे जो है ब्लोअर लगा हुआ है, और ब्लोअर का साइज है 22। ये साइज है, ये धुएं को जो है खींच के चिमनी के जरिए बाहर निकालता है, और धुआं जो है प्योर साफ सुथरा और सफेद धुआं जो है यहाँ से निकलता है। ये भी आपको आगे दिखाएंगे धुआं वगैरह भी, आप ये देख लें। सतलुज ब्रिक्स कंपनी, यहाँ से धुआं जो है होता हुआ चिमनी के अंदर जाता है, ये जगह बनी हुई है। ये जो टप लगा हुआ है आग की सिस्टम, ये धुआं जो है जिस साइड पे आग जल रही होती है वहां से निकाल के
दरमियान वाली लाइन में लाया जाता है इस टब के ज़रिए, और दरमियान वाली लाइन जो है वहाँ से वो ब्लोअर जो है वो खींचता है और चीनी के ज़रिए बाहर खींचता है। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ सुथरा और सफ़ेद धुआं जो है ये चीनी से बाहर निकल रहा, और ये माहौल दोस्त भट्ठा है, इसका कोई भी सेहत पर असर नहीं है, जो कि हमारी सेहत के लिए धुआँ जो है ये ख़राब होता है। ये बिल्कुल साफ सुथरा धुआं जो है निकल रहा है। यहाँ पे ये शॉपर भी पात ली हमने, ताकि वैसे वगैरह है वो यहाँ तक आकर रुक जाए। जैसे ही आगे जो है भराई मुकम्मल होगी, चनाई मुकम्मल होगी तो ये शॉपर निकाल के आगे लगा दिया जाएगा। यहाँ पे ये चनाई हो रही है, बिल्कुल प्योर जिग जैग चनाई आप देख रहे हैं। ये किन्ने रदे इन पे आगे चनाई होती हुई भी आपको दिखाएंगे। जी ये अभी ईंटें जोड़ी जा रही हैं बिल्कुल प्योर जिग जैग, ये आप देख रहे हैं कैसे तरतीब से और लाइनों में जो है ये ईंटें चुनाई की गई हैं। दोस्तों इसमें जो है काफ़ी मुनाफा बख्श है, अगर आप पहले ये जिग जैग से पहले या ये ब्लोर वगैरह लगाने से पहले की बात करें तो उस वक़्त तकरीबन 6 लाख के करीब ईंट जो है भट्ठे के अंदर आती थी, अब जब जिग जैग हुआ तो ये 7.5 लाख ईंट जो है भट्ठे के अंदर अब देखें 1.5 लाख जो है ईंट अजाफी आ रही है। तो इसका फ़ायदा है नुकसान नहीं है, एक तो ये सैड ही बखाने भी आप पेटी तू अलावा। वैसे यार अगर एक डक तुसी इदू बनाई है आ सिंगल जी तो सिंगल ही उस पास हुए तो पूरी सीधी होवे तो पूरी होंदी नहीं, एक है की मतलब लो जनाब सिंधु साहब ऐ वेख लै हुण ही सैड एनू वेखी जा उतर पाकट पुकट का ख्याल करें जिथे जिथे चलना है। एक रदा उच्चा नहीं चला गया हेठला पाकट दे ना ममताज तेरी साइड ते भी मैं आंदा पिया यार ये भी बखा लवी दोस्त हैं फितने अड्डे तू साइड मार लो जी ए पैर सटी दे निक्या ए जड़े तेरे चढ़ाए न डाटा निक्या इवें साइड ते थोड़ा जिहा ए पैरां तू उत्ते तीसरे रदे ते हाथ ला बला ਅਹੀਂ ਹੋ ਜਾ ਯਾਰ ਕਵੀ ਕਾਲੀ ਅਹੀਂ ਹੋ ਹਾਂ ਬਈ ਮਮਤਾਜ਼ ਹੁਣ ਉਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਲਾ ਉਤਲੀ ਡਾਟ ਕਿਤਵੇਂ ਰਹਦੇ ਤੇ 1 2 3 ਉਤਲੀ ਚੌਥੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਡਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਉਤਲੀ ਚੌਥੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੌਥੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਡਾਟ ਹੈ ਬੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਉਤਲੀ ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਇਹ ਪਾਕਟ ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਜਾ ਖਲੋਤੇ ਜੀ ਆ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਤੀਸਰੇ ਤੇ विचाले वाली चौथे ते ही है जी जी ये चौथे ते आ तीसरे ते 1 2 3 4 आ पंजवी इत्ते पंजवी ये आ उत्ते पंजवी आ पंजवे पाकट मुकम्मल हो गया ये ते मगर एक पाकट जी। तो दोस्तों यहां से जो है ये ईंट निकाली जा चुकी है जो पक गई है, ये कुछ जो है खंगर ईंट जो है वो पड़ी है जो थोड़ी बहुत जो है वो भी आ जाती है नीचे, ज़्यादा नहीं आती
कुछ ना कुछ आ जाती है। तो ये जो है दोबारा फिर आपको मशीन दिखा रहा हूँ मैं, ये आप देखें, इसकी मोटर भी आपको दिखाऊंगा। ये जो लेंस लगा हुआ है ये आरपीएम बता रहा है, यानी ये कितने आरपीएम पे ये घूम रहा है। ये साथ में पीटर लगा हुआ है, जब बिजली नहीं होती जो तो इस पीटर पे जो है इसको चलाया जाता है। ये मोटर लगी हुई है, ये इसके साथ बेल्ट और बेल्ट के ज़रिए जो है इस ब्लोअर को चलाया जा रहा है। ये अभी जो है ये डम्पर जो है ये भर गया है, ये अब लेके जाएंगे जी बेरा ज़िला खुशाब, वहाँ से ये डम्पर जो है ये ईंटे लेने के लिए इस भट्ठे से आया है। बहुत ही प्यारी ईंटें हैं इस भट्ठे की और रेट भी माकूल है। आप में से भी कोई दोस्त ईंटें लेना चाहे तो वो रब्ता कर सकता है, रब्ता नंबर जो है वो ऊपर चिमनी के साथ लिखा हुआ है चिमनी के ऊपर, तो वहाँ पे आप उस नंबर पे अल्लाह दिता राही भाई का नाम है जो ऑनर है इस भट्ठे के, उनसे रब्ता कर सकते हैं। ये आप नंबर देखें जी। तो दोस्तों ये अभी देख लें, 229 वोल्ट आ रहे हैं, 104 आरपीएम, 1.5 वोल्ट, ये यूपीएस लगा हुआ है। तो अभी ये बिजली पे चल रहा है, इससे आगे आपको फिर यूपीएस पे भी दिखाएंगे कि यूपीएस पे कितने आरपीएम दे रहे हैं। 1.34 एम्पीयर ले रहा है, 104 आरपीएम, 229 वोल्ट। ये आप देख लो, इतने आरपीएम पे ये मोटर जो है चल रही है, 1.3 एम्पीयर और तकरीबन एक फ्रिज जितना करंट जो है ये ले रही है। इनमें भी एडजस्ट कर दे, ये बैटरियां रखी हैं 24 वोल्ट का, ये यूपीएस है। अब आप देखें ये यूपीएस चल रहा है 103 चेक करने, 209.4 103 आरपीएम, 0.4 एम्पीयर, ये अभी ये करंट ले रहा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।